हाय एवरीवन, नहीं नहीं हाय इससे नहीं शुरू करते, नमस्कार से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं काजी आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल विद्या में। अगर आपको पता नहीं है तो हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड जो नीचे जो घंटा बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आने वाले वीडियोस का आप लोग उठा सके। वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप लोग अंत तक देखते हैं तो आपको समझ में आएगी क्या मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बीच में अगर स्किप करके आप चलो जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। जी हाँ, आज हम लोग इस किताब का रिव्यू करने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा मैं खींचूँगा नहीं क्योंकि इस किताब ने मेरा दिमाग का दही बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो किताब है इसने तो मेरा दिमाग का दही बना दिया है। इस किताब में आपको छोटी छोटी स्टोरीज मिल जाएंगी। इस किताब में नेपोलियन हिल ने क्या किया था, वॉरेन बफेट ने क्या किया था, मोहम्मद अली ने क्या किया था, आपको शॉर्ट स्टोरीज में डिफरेंट सारे सेक्शंस में आपको इस किताब में मिल जाएगी। अगर मैं सच बोलूँ आपको तो ये किताब मैंने लगभग 30-40% मैंने स्टडी किया है, उसके बाद मैंने किताब पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि ये जो किताब है मेरे को मैंने अट्रैक्टिव नहीं है, इसने मेरे को बोरिंग लगने लगी किताब पढ़ते पढ़ते। मैंने किताब को पढ़ना ही छोड़ दिया। जाओ तुम अपने घर में जाओ। ऐसा नहीं है कि ये किताब में अंदर कुछ खामी है या कुछ अच्छा चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ लिखी हुई नहीं है, लेकिन मेरा ओपिनियन में मेरे को किताब ज़्यादा अच्छा नहीं लगा पढ़ने में। मे बी आपको यूट्यूब में काफ़ी सारे और भी वीडियोस मिल जाएगी इस किताब का रिव्यू करते हुए एंड मे बी उसने अच्छे अच्छे चीज़ भी बताई है किताब के बारे में, लेकिन मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। मे बी आप मेरे से डिसएग्री भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो किताब है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा मेरे को पढ़ने में। जो कुछ रोमांचक नहीं है, कुछ एक्साइटिंग नहीं है किताब में, मैंने बीच में पढ़ना छोड़ दिया। और कुछ मैं इसका रिव्यू देने वाला है नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। मैंने 30-40% ही पढ़ा हुआ है, झूठ बोल के फ़ायदा नहीं है आप लोगों को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।